नमस्कार, मैं तनु बोध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां आसमान छू रही महंगाई के दौर में महज 500 से 700 रुपए की पेंशन के सहारे जीवन यापन करना मजबूरी बन गई है। पिछले एक महीने से अपनी पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इन पेंशनर्स अब आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। दरअसल भिंड में पिछले एक महीने से MP में बंद हो चुकी रोडवेज सेवा, सहकारिता सहित विभिन्न विभागों के रिटायर कर्मचारी अपनी पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिंदगी का एक खास लंबा अरसा शासकीय सेवा में खपाने के बाद रिटायर कर्मचारियों को 500 रुपये से 1000 रुपये की मामूली पेंशन मिल रही है। उम्र के इस पड़ाव पर थके इन रिटायर कर्मचारियों की गुजर बसर के लिए यह रकम नाकाफी साबित हो रही है, जिसके चलते अल्प पेंशन धारियों का परिवार मुफलिसी के दिन गुजारने पर मजबूर है। सरकारों की सेवा करते हुए बूढ़े हो चुके ये कर्मचारी गुजर बसर के लिए एक सम्मानजनक पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर एक महीने से अनशन पर बैठे हैं। कई बार राज्य व केंद्र सरकार के नेताओं से लेकर अधिकारियों तक को मांग पत्र दिए जाने के बाद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी इस अनदेखी के चलते ही वह अब आत्महत्या कर लिए मजबूर हो रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। आज आप अनशन पर बैठे हैं, किस बात को लेकर अनशन पर बैठे हैं, कब से बैठे हैं? हम सब लोग EPS 95 पेंशनर संगठन के लोग हैं और अल्प पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हम पिछले 31 दिन से यहाँ अनशन पर बैठे हैं। ये अनशनकारी वे लोग हैं जिनको के बहुत कम पेंशन मिलती है, किसी को 500 रुपया, किसी को 700 रुपया, किसी को 800 रुपया, किसी को 1000 रुपये, बहुत अल्प पेंशनधारी है। इतनी कम पेंशन में इन लोगों का गुजारा होना बहुत असंभव है। इस वजह से हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी सम्मानजनक पेंशन वृद्धि की जाए। हमने 7500 रुपये पेंशन प्लस महंगाई भत्ता की मांग की है, जिसको लेके हम यहाँ पिछले 31 दिनों से अनशनरत हैं। लेकिन 31 दिन से कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारा हालचाल, हमारी सुधबुद लेने नहीं आया है। इस वजह से हम सब लोगों ने निर्णय किया है कि ऐसे घुटघुट कर जीने की अपेक्षा मौत को गले लगा लेना ज्यादा बेहतर है। इस वजह से आज हमने गले में फांसी का फंदा डालकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, जिससे कि हम सम्मान से ऊपर जाकर अपना बाकी का समय गुजार सके। 31 दिन हो चुके हैं, 31 दिन भी जाने के बावजूद भी प्रशासन का कोई अभी तक आपके पास आया? किसी प्रकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक हमारी सुधबुद लेने नहीं आया, न केंद्र सरकार की तरफ से, न राज्य शासन की तरफ से, न जिला प्रशासन की तरफ से। जबकि हमने जिला प्रशासन को की अनुमति के पश्चात ही यहाँ पर अनशन आंदोलन प्रारंभ किया है, लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। बड़ा ही खेद का विषय है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हम वृद्धजनों को अपना सुखमय जीवन जीने के लिए, दो पति पत्नी के गुजारे के लिए हमको सम्मानजनक पेंशन दी जाए, जो कि 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता बनता है हमारा। इस मामले में हम लोगों के सन 2013 में संसद ने एक कोश्यारी कमेटी का गठन किया था, भगत सिंह कोश्यारी सांसद की अध्यक्षता में। उन्होंने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, लेकिन सरकार उन सिफारिशों को दबाकर बैठी है। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारा 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता बनता है, जो कि उन्होंने अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया है। इसको लेके हम आंदोलन करते हैं। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर नहीं होती हैं तो फिर हम दिल्ली जाके कूच करेंगे। और देश के लगभग 65 लाख हम अल्प पेंशन धारी लोग हैं, जो कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को पछताना पड़ेगा हमारी अगर मांगें पूरी नहीं।